हेलो एवरीवन, सी स्टूडेंट, वो जो वीडियो है वो बीच में ही स्टॉप हो गया था, तो मैंने उसके आगे ही ये वीडियो को कंटिन्यू किया है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद में ही ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ओके, नाउ सी हियर, सेकंड क्वेश्चन है 7/5 - 2/5 and -4/5। मीन्स यहाँ पर हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? फाइव पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब सबसे पहले तो हमको इस एक लाइन ड्रॉ करनी है, बोथ द साइड, है ना, एरो मार्क होना चाहिए। मैंने जैसे बताया, इसको मैंने 16 सेंटीमीटर का लिया है मेजरमेंट, तो मेरा सेंटर पॉइंट बनेगा 8, 16 का हाफ 8 करना है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट, जैसे हमारा 0 है, चलो यहाँ से ले लो 0, स्मॉल स्मॉल लाइन्स आपको लगानी है। कितने के पार्ट्स में डिवाइड करनी है आपको? फाइव पार्ट्स में। अब सबसे ऊपर मेरा क्या है? 7 है, यानी कि मेरे जो नंबर्स रहेंगे, जो मेरी काउंटिंग रहेगी, वो सबसे ज़्यादा कितना रहना चाहिए? 7 का, यानी कि 5 का डबल 10 करना है मुझे। तो यानी कि मैं 5 को 2 टाइम्स ले लूँगी यहाँ पर। कैसे लूँगी? 2 यूनिट्स लूँगी मैं यहाँ पर, देखो कैसे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। 5 स्मॉल लाइन्स मैंने काउंट की, 1, 0 के बाद में 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। अब यहाँ पर मेरा 5 आ रहा है, यानी कि मेरा बनेगा यूनिट 1। 5 पार्ट्स में मुझे इसको डिवाइड करना है, यानी कि स्मॉल स्मॉल डॉट्स कितने लगाने हैं? 5, 0 के बाद में काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, और 1 पे मेरा 1 यूनिट आएगा। उसके बाद फिर से मैं आऊँगी, 1 पे रखूँगी और फिर मैं 5 यूनिट्स काउंट करने वाली हूँ यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर से मेरा 5 आएगा, यहाँ पर मेरा यूनिट बनेगा 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7 है ना। तो मैं अगर 0 से आती हूँ, 7 तक मुझे ले आना है, तो मैं कैसे जाऊँगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरा सबसे ज़्यादा ग्रेटर नंबर 7 है यहाँ पर, तो बस हो गया, मुझे इतना ही चाहिए, यानी कि मैं 2 यूनिट ही बनाऊँगी यहाँ पर। सेम वैसे ही ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए मेरे, वैसे मुझे क्या करना है? भी नेगेटिव इंटीजर करना है, तो फिर से मुझे स्मॉल काउंटिंग्स करनी होगी। तो आप ऐसे नहीं करोगे, आपको क्या करना है? फिर ऊपर से लगाना है। देखो यहाँ से आप 0 रखो, ऐसे 0 सेंटर पे रखो, 0 पे 0 का पॉइंट रखो स्केल, और काउंट करो। यहाँ पर आएगा मेरा 0, यहाँ पर आया, प्लेस करो बराबर से 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर मेरा बनेगा -1। ठीक है, फिर से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर बनेगा मेरा -2। जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं ना, 5 5 का जो लाइंस होती है, देखो 5 5 की स्मॉल लाइंस, वो जो स्मॉल लाइंस होती है ना 5 5 के डिस्टेंस की, मैं वही काउंट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको अगर ये वापस नहीं समझा है, तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करोगे और अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 8th स्टैंडर्ड के लिए, कि हम रैशनल नंबर्स कैसे नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने बना दिया, प्लेसिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमको फ्रैक्शंस, हमारे मीन्स हमारे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लेस करना है। सबसे पहला नंबर है मेरा 7/5, पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव साइड में जाना है, तो 0 पे आपको अपना पॉइंट रखना है, काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 1 के बाद में 2 स्मॉल डॉट्स कंटिन्यू हो गए, तो मेरा बनेगा 7/5। ठीक है, क्योंकि 1 तो मेरा 5 का ही फ्रैक्शन था, 6 7। ठीक है, उसके बाद में -2/5, सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव साइड में आ जाओ आप, फिर काउंट करो यहाँ से 1 2, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं आगे जाना है, 1 2। 0 के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से आना है 1 2, यानी कि मेरा -2/5 आएगा 0 के 2 यूनिट 2 फ्रैक्शंस बाद। ओके, सो 2/5 -2/5, उसके बाद मेरा है 4 -4/5, तो वैसे ही 0 के पर आना है आपको, अगेन -4 आने तक काउंट करना है 1 2 3 4, -4 आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर -4/5, ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए किया था। तो हम खुद अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन, कुछ फ्रैक्शंस ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ले रही हूँ, वैसे कोई नीड नहीं है। ओके, सो सी हियर, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल 8/5,
एंड माइनस एट अपॉन फाइव. चलो ये दो ले लेते हैं. पॉजिटिव साइड में आ जाओ पहले, क्योंकि एट अपॉन फाइव पॉजिटिव है, जीरो पर आना है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देखो यहाँ पर आ रहा है एट मेरा. आपको लगाना ही मार्किंग और लिखना है एट अपॉन फाइव. वैसे ही माइनस एट अपॉन फाइव लिया मैंने, यानी कि डायरेक्टली आपको समझ जाना है नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करो, जीरो पर आ जाओ, फिर काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. यहाँ पर आ रहा है मेरा एट, ले लो यहाँ पर एरो मार्क और मार्किंग कर दो माइनस एट अपॉन फाइव की. तो स्टूडेंट ऐसे आपको नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस ड्रॉ करने हैं, मीन्स रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके नंबर लाइंस पे ड्रॉ करना. ओके चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके सो लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज माइनस फाइव अपॉन एट इलेवन अपॉन एट. दो क्वेश्चन ही दिया है, दो फ्रैक्शंस ही दिए हमको ढूंढने के लिए, बट मैंने अपने साइड से तीन और बनाए हैं आपको अच्छे से समझ में आने के लिए. तो सबसे पहले तो हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ना, जो दोनों साइड में क्या होता है, एरो मार्क होता है जिसके, तो दोनों साइड में एरो मार्क होना चाहिए. ऐसा नंबर लाइन मैं ड्रॉ करूँगी. ले लिया है मैंने यहाँ से मेजरमेंट जिसका ज़ीरो. देखो यहाँ पर सबसे बड़ा ज़्यादा नंबर कौन सा, इलेवन है ना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, एट का डबल करना है, एट एट सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्टीन तक ले लेती हूँ, है ना, फोर्टीन तक ले लिया मैंने. अगेन आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से देख लो दोनों साइड में. आपको पहले एरो मार्क्स लगाने, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ज़ीरो से. चलो मैं फिफ्टीन तक पूरा स्केल ले लेती हूँ, हाँ ठीक है. 15 का हाफ हो जाएगा 7 अपॉन 5, यानी कि 7 एंड हाफ. ये यहाँ पर आ गया मेरा सेंटर ज़ीरो. सबसे पहले आपका ज़ीरो लगेगा वहाँ पर. ज़ीरो उसके बाद में फिर क्या करना है मुझे, तो देखना है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या 8 है, यानी कि मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ. सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है. और उसके बाद में 8 8 की मुझे यूनिट देनी है. अब 11 है सबसे बड़ा, यानी कि 8 8 16 हो जाएगा, यानी कि मैं दो यूनिट ले सकती हूँ. सबसे पहले मैंने ले लिया ज़ीरो से, चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो ज़ीरो पे ही रखा है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है. अभी आप काउंट कर लो यहाँ पर, तो स्मॉल जो 5 5 के डिस्टेंस पे है वो वाले लाइंस को काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा आ रहा है 4 पर 8 आ रहा है 1. यहाँ पर मेरा बनेगा 1. उसके बाद अगेन मैं फिर से ज़ीरो से ही काउंट करूँगी. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़ीरो पे तो रखा ही था, इसको ले लिया. फिर से 5 5 का डिस्टेंस देना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखो यहाँ पर मेरा और थोड़ा आगे चला गया, तो मैं अपना एरो मार्क को क्या करती हूँ, एक्सीड कर लेती हूँ, है ना, कोई इशू नहीं है. उसके बाद सेम आपको यहाँ पर भी आना है. अब यहाँ पर आप आओगे तो फिर मैंने बताया था यहाँ के लिए आप थोड़ा सा चेंज कर लो पोजीशन स्केल का. फिर से काउंट कर लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर फिर से 4 पर आ गया मेरा 8, यानी माइनस 1. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर और एक्सीड हो गया, कोई इशू नहीं है. मैं इसको थोड़ा सा एक्सीड कर देती हूँ, हो गया. अभी आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये नंबर, फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है. माइनस फाइव है, यानी कि आपको किधर जाना है, नेगेटिव साइड में जाना है. तो आप अभी स्केल का कोई काम नहीं, हटा दो साइड में. अब काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हमको नंबर लाइन पर करनी है और कहीं पर भी नहीं करनी है, ठीक है. तो माइनस फाइव है, ज़ीरो पर आ जाओ, काउंट करो 1 2 3 4 5. यहाँ पर मेरा बनेगा माइनस फाइव, ये मेरा बनेगा माइनस फाइव अपॉन एट. सेम वैसे ही आपको सेकेंड नंबर है 11 अपॉन 8, ज़ीरो पर आ जाओ, फिर काउंट कर लो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, यहाँ पर मुझे मिलेगा मेरा 11. स्मॉल डॉट्स को आपको काउंट करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना.
अब मैंने खुद से बनाए हैं एग्जाम्पल्स, वो देख लेते हैं। 3/8 है, फिर से आ जाओ 0 पर, 1, 2, 3, यहाँ पर मेरा बनेगा 3/8। फिर मेरा सेकंड नंबर है 7 -7/8। सबसे पहले देखना आपको कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मेन होता है। हाँ, अगर आपने नहीं देखा और आपने नेगेटिव को पॉजिटिव साइड में कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। -7/8 माइनस में है तो नेगेटिव है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड। 0 पर आ जाओ फिर से, फिर काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 है, सॉरी 7 है तो -7, यानी कि यहाँ पर आएगा मेरा -7/8। उसके बाद 5/8 है, फिर से आ जाओ और ये पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड में आ जाओ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर मेरा बन रहा है 5/8। ऐसे मेरे फ्रैक्शंस हमको फाइंड आउट करके प्लेस करने हैं नंबर लाइन पे। ओके, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये होमवर्क है, आपको ये खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, और मैं कुछ अपनी साइड से भी दे देती हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, तो ये होमवर्क है आपके लिए, आपको इसको खुद से सॉल्व करके चेक करना है कि आपका भी फ्रैक्शन नंबर लाइन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी एक नंबर लाइन ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दी है ना, और इसको अगर आपको देखो, अगर ये कोई आपको कोई लेटर, कोई वर्ड अगर छोटा दिख रहा है वीडियो में तो आप उसको थोड़ा सा लार्ज कर भी देख सकते हो। हाँ, नाउ सी हियर, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी क्या क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अभी पॉइंट बी सबसे पहले सर्च करना है, तो यहाँ पर है पॉइंट बी, दिख रहा है सबको पॉइंट बी। अब क्या नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो हमको उसको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ वापस से जीरो से, जैसे जीरो पर हम लोग रख के काउंट करते हैं वही काउंटिंग करनी है यहाँ पर। तो देखो जीरो पर आ गए हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में बी आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा जो बी है वो सबसे पहला तो न्यूमरेटर बनेगा उसका 10, और डिनोमिनेटर में अभी हम लोग को क्या लगाना है ये तो सोचना है ना। तो उसके लिए हमको देखना है हमारी यूनिट का डिस्टेंस कितना दिया है, हर यूनिट में डिस्टेंस कितना है। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 का डिस्टेंस है, यानी कि -10/4 इंडिकेट कर रहा है बी पॉइंट। ऐसे आपको ढूंढना है, ठीक है? नहीं समझ में आया ये वाला स्टेप तो वापस से इसको पीछे करो और फिर से वीडियो को देखो, ठीक है? आपको अगर जब तक नहीं समझ में आता है तो आपको उसको रिवाइंड करना है और वापस से उसको देखना है वीडियो को। ये मैंने आपके लिए ही बनाया है स्टूडेंट, ओके? जो स्टूडेंट को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो वो ये वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करो और वापस से समझो कि क्या बोला गया क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1:3/4। अब 1:3/4 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है 1:3/4 क्या होता है। और देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास -10/4 है, तो ये डिविजिबल हो रहा है ना, 2 से डिविजिबल हो रहा है, हमने देखा था है ना इवन नंबर के लिए। तो आप -10/4 भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको पहले कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, सो -5/2 भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटिंग के हिसाब से जा रहे हैं, तो -10/4 भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और -5/2 भी आप लिख सकते हो। नाउ 1:3/4 कौन सा नंबर है जो 1:3/4 बता रहा है। अब 1:3/4 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये समझना है। तो देखो 1:3/4 क्या है, सी हियर स्टूडेंट, 1:3/4 इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, और मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 से, और प्लस हो रहा है न्यूमरेटर से। तो ये क्या हो जा रहा है, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 4 प्लस 3 कितना होता है 7/4। 7/4 कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फाबेट है वो बता रहा है 7/4, वो देखना है अभी। तो देखो यहाँ पर वो पॉजिटिव नंबर हो गया, काउंट करेंगे अभी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा नंबर है, सी नंबर है, जो सी अल्फाबेट है वो बता रहा है हमको 1:3/4, ठीक है?
तो ये कैसे सॉल्व करना है, 1:3/4। अभी हम लोग तो डर गए ना कि अरे 1:3/4 तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो 1:3/4 कैसे हम लोग निकालेंगे नंबर लाइन पे। तो मैंने इधर सॉल्व किया है, जो आपको इसको अच्छे से वापस से देखना है कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। ऑलवेज हमने ये 6th स्टैंडर्ड में भी किया है, ओके। जब इम्प्रॉपर फॉर्म होता है तो उसको कैसे हम प्रॉपर फॉर्म में करते हैं, है ना। तो वापस से देखो, यहाँ पर मैं वापस से लिख रही हूँ 1:3/4 है, 1:3/4। सबसे पहले डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और प्लस करेंगे न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा सेम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेशन, 4 × 4 + 3/4 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करना है, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7, और डिनोमिनेटर मेरा ऐसे ही रहेगा, तो 7/4 कौन दे रहा है, ठीक है। अभी ये फ्रैक्शन बन गया ना, और पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, तो 7/4 कौन दे रहा है। तो फिर से हमको आना है अपने नंबर लाइन पे, और ज़ीरो के पास जाना है। ज़ीरो पर आ गए हम लोग, नंबर लाइन पे कौन सी साइड जाएंगे हम लोग, पॉजिटिव नंबर है तो राइट हैंड साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कौन दे रहा है मुझे, सी दे रहा है, तो सी मेरा हो जाएगा आंसर। सी पॉइंट है, मुझे इंडिकेट कर रहा है 1:3/4। नाउ सी हियर स्टूडेंट द थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5.2 इज ट्रू और फॉल्स। अभी डी के पास आ गए हम लोग, 5.2 यानी कि पॉजिटिव नंबर है, और डी राइट हैंड साइड में है ना, तो क्या वो नंबर मुझे 5.2 दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो चेक करते हैं पहले हम लोग, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे ये तो 10/4 देगा, है ना, क्या देगा, देखो यहाँ पर मेरा जो डी पॉइंट है मुझे वो क्या दे रहा है, 10/4 दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने तो क्या पूछा है, क्वेश्चन ने तो पूछा है कि वो मुझे क्या दे रहा है, 5/2। वो मुझे क्या दे रहा है, 5/2, तो लेट्स सी कैसे दे रहा है, वो ट्रू है या नहीं है, है ना। तो देख लेते, तो 10/4 है, तो हम देख सकते हैं कि ये इवन नंबर हो सकता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। इवन नंबर नहीं, मीन्स ये फ्रैक्शन है, और जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। सो ये मुझे क्या मिल रहा है, 5.2 दे रहा है मुझे, 5.2 यस दे रहा है मुझे 5.2। सो मेरा क्वेश्चन ने क्या पूछा मुझे कि डी मुझे 5.2 दे रहा है या नहीं, हाँ दे रहा है ना, यस दे रहा है मुझे, तो ये मेरा स्टेटमेंट है, हो गया है ट्रू, ओके। सो स्टूडेंट, आज हमने 1.1 प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर लिया है। आपको मैंने 4th क्वेश्चन होमवर्क दिया है, बाकी सब मैंने सॉल्व करवाया है आपको। तो आप अच्छे से ये वीडियो को वॉच कीजिए, जहाँ पर भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को वापस से देखिए, ठीक है। और जितने आपके फ्रेंड्स से उनमें शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो से हेल्प मिले, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन बटन को ऑन कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलते रहें, ओके। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करो, ओके। और